दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा बिजनेस का सिस्टम जिसको अगर आप अपना लें, एक ओपन माइंड लेकर मेरा पूरा आइडिया सुन ले, तो आपके बैंक अकाउंट में भी मेरे बैंक अकाउंट जैसे काफी पैसे आ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है। और अगर आप एक मोटिवेटेड इंसान है, एक ऐसे इंसान है जो आज के वर्किंग सिस्टम से थक चुके हैं और दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप भी अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो जल्द ही आप भी ऐसी ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर सुनेंगे, या तो अपने किसी दोस्त से, किसी कॉलीग से, या फिर किसी जानने वाले से जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ WFG की। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, WFG एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसा क्लेम करते हैं इनके लोग कि इनकी जो कंपनी है Amazon और Walmart के जैसे है। जैसे Amazon एक काफी सारे रिटेलर्स की चीजें अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही ये काफी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो सर्विसेज हैं एक रूफ के अंडर प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है WFG। इनका ये क्लेम है कि ये एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छा करने के लिए। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में WFG से 2 बार फेस टू फेस हुआ हूँ और उनको पूरा टाइम दिया है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाने का, लेकिन दोनों बार मुझे उन्हें ना करनी पड़ी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों आपको भी उनको ना करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये मैं क्लियर कर दूं, WFG एक लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। इनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो भी लीगली लाइसेंस्ड होते हैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। लेकिन इस कंपनी में स्कैम क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, अगर आपको भी इनकी प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिले तो आपको भी पता चलेगा कि इनके जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही वेग होती है, बहुत ही खोखली होती है। पहले तो आपसे ये आपका नाम पूछेंगे, आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके सपने के बारे में पूछेंगे, आप कहां काम करते हैं, आप वहां कितना पैसा बनाते हैं, ये सारे सवाल पूछेंगे, ताकि आपको ये ऐसा फील कराएं कि अगर आप इसी ट्रैक पे रहे तो आप जिंदगी में एक बहुत ही मिजरेबल पर्सन बनकर रह जाएंगे आने वाले 5 से 10 सालों में। इनकी फाउंडेशन ही यहां से शुरू होती है, ताकि आपको वो इतना वल्नरेबल कर दें कि जब वो अपने बिजनेस के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बताना शुरू करें तो आपको सब कुछ सच लगने लगता है। कई लोगों को वो अपना बैंक अकाउंट दिखाएंगे कि वो उस बिजनेस से या उस सिस्टम से कितना पैसा बना रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टम के बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। इनकी प्रेजेंटेशन में बहुत कम इनके बिजनेस के बारे में बताया जाता है, और ज्यादातर यही बताया जाता है कि क्यों आप एक सक्सेसफुल इंसान जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। और प्रेजेंटेशन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको वो पूछेंगे कि आप फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहते हैं या फिर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो लोगों को वो पहले ही इतना कमजोर कर चुके होते हैं अंदर से, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनको बिजनेस के बारे में जानना है, क्योंकि बिजनेस के बारे में जानने से ही पैसा बनना शुरू होगा, तो असली गेम वहां शुरू होती है। दोस्तों, जब मोस्ट रिसेंटली मैं इनके पास गया, मेरे किसी दोस्त के थ्रू गया था, उसने मुझे बताया कि वो मुझे किसी से मिलाना चाहता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे पता लग गया था कि वो WFG की ही बात कर रहा है। लेकिन मैंने उसका सरप्राइज तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे अपनी पिच सुनाए, ताकि मैं आपको वापस आकर एक इन्फॉर्म्ड वीडियो बना सकूं। जब मेरा वहां उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडिया के दौरान वो पॉइंट आया, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहोगे या फिर बिजनेस के बारे में और जानना चाहोगे, तो मैंने उनको बोला कि मैं दोनों चीजों के बारे में जानना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, उस पॉइंट के बाद 40 मिनट तक उस इंसान ने मुझे बिजनेस के बारे में समझाया, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस बेचने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही मुझे पूछा कि मुझे फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत है या नहीं। और मैंने उस इंसान से सवाल पूछा कि आपने मुझे फाइनेंशियल सर्विस क्यों नहीं बेची, जबकि मैंने आपको बोला था कि मुझे फाइनेंशियल सर्विस और बिजनेस दोनों में इंटरेस्ट है। तो उसके पास मेरा कोई जवाब नहीं था, और उसने मुझे बोला, अभिषेक यार तू सवाल बहुत करता है। और दोस्तों, ये क्लेम करते हैं कि इनकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स जैसे, वॉलमार्ट जैसे, अमेज़न जैसे ही एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर इनकी कंपनी वॉलमार्ट या अमेज़न जैसे एक ऐसी कंपनी है जो एक रूफ के अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये अपनी कंपनी को ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जाते, ई कॉमर्स बेस्ड सिस्टम पे क्यों नहीं लेके जाते। जब मैंने ये सवाल उस इंसान से किया, तो उसने बोला कि उनकी कंपनी की गाइडलाइंस है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो
कोई भी ऑनलाइन अपना सिस्टम नहीं लेके जा सकते, उनकी सारी जो बातचीत है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो फेस टू फेस ही होनी होती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। आज के दौर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, आपके मोहल्ले का न्यूट्री कुलचे वाला भी अपना जो दुकान का सिस्टम है उसे ऑनलाइन लेके जा रहा है, उसे स्किप द डिशेज, उबर ईट्स, डोरडैश पे डाल रहा है, तो ऐसी बड़ी कंपनी अपना सिस्टम, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जाएगी। दूसरी इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी ये है कि ये कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आकर सुनिए, ये हमेशा कोशिश करेंगे कि एक ट्रस्ट का कनेक्शन हो बीच का, जो आपको ये बताए कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आप, और आप खुद चलकर आए, जो उनको इस लायबिलिटी से फ्री कर देता है कि उन्होंने तो आपको फोर्स किया ही नहीं था, आप खुद चलकर आए हैं और उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए। और फनी चीज तो ये है कि कभी भी आपको ये लोग ये नहीं बताएंगे कि वो किस इंसान से मिलाने लेके जा रहे हैं, कैसी कंपनी है, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे आपको, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर, आपकी जिंदगी बदल देने के नाम पर आपको वहां ले जाएंगे, और जब आप उनकी बात सुने तो आप एक ट्रैप में फंस जाएं। तो बाद में मैंने इन्हें पूछा कि अगर मैं आज आपके साथ $130 देके साइन अप कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा जिससे मैं पैसा बनाना शुरू कर दूंगा, तो उनका एक ही जवाब होता था, अभिषेक यार तू सवाल बड़े करदा यार। एंड हियर इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दीज गाइज, जब मोस्ट रिसेंटली मैं इनके पास गया तो इन्होंने 40 से 50 मिनट मुझे रिक्रूट करने की काफी कोशिश की। जब मैं इन्हें बहाने बनाता गया तो ये मुझे उस इंसान के ऑफिस या कैबिन में ले गए जो महीने का $3,00,000 कमा रहा है, और उस इंसान से मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो उस इंसान ने भी फिर से मुझे वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचने की कोशिश की, उसने सीधा सीधा पूछा कि तेरे सपने क्या है। तो मैंने जब उसे अपने 3 से 4 सपने बताए तो उसने पेपर मोड़ कर कहा कि $130 में आने वाले 4 से 5 सालों में तेरे ये सपने पूरे हो जाएंगे। इनको आपको कन्विंस करने में बहुत ही एक एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, WFG एक स्कैम नहीं है। प्रॉब्लम है इनकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाली पूरी स्पीच होती है वो एक स्कैम है। अगर आपका जिंदगी में सपना है कि आप काफी पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में पैसा सेल्समैन वाले स्किल्स के साथ कमाना चाहते हैं, लोगों को चीजें बेचकर, लोगों को कन्विंस कर, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे ट्रेनिंग रिक्रूटिंग हायरिंग ये चीज बार बार करना पसंद है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। लेकिन वो पैसा इतनी जल्दी नहीं बनता, आपको दूसरे कामों की तरह इस बिजनेस में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बेचनी पड़ती हैं, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, स्ट्रेंजर लोगों से बात करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन में अच्छा होना पड़ता है, और तभी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको उस पूरी स्पीच में बिल्कुल नहीं बताई जाती, और आपको कहा जाता है कि $130 से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक स्कैम है। तो जैसे WFG भी अपने बिजनेस में लोगों को अवेयर कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है, मैं भी अपने बिजनेस में लोगों को अवेयर कर रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं कि कोई जॉब अगर आपके लिए नहीं बनी तो प्लीज उसमें पैसे मत डालिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 वीडियोस अटैच करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो मेरी दूसरी वीडियोस देखिएगा, कोई भी अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले बार, थैंक यू।